मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द बेसिस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. एज वी डिस्कस अर्लियर, एन इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर. इंडिफरेंस कर्व को उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र कहते हैं. इस आधार पे जब दो गुड्स के विभिन्न जो कॉम्बिनेशंस हैं ए बी सी डी ई, इसमें गुड एक्स और गुड वाई को यूनिट में दिखाया गया है. गुड एक्स का 1 यूनिट एंड गुड वाई का 12 यूनिट. गुड बी का कॉम्बिनेशन बी से गुड एक्स का 2 यूनिट और गुड वाई का 8 यूनिट. कॉम्बिनेशन सी से गुड एक्स का 3 यूनिट्स और गुड वाई का 5 यूनिट्स. कॉम्बिनेशन डी से गुड एक्स का 4 यूनिट्स एंड गुड वाई से 3 यूनिट्स. इसी तरह कॉम्बिनेशन ई से गुड एक्स का 5 यूनिट्स एंड गुड वाई का 2 यूनिट्स का कंजम्पशन करता है. जिससे कि ऐसा क्यों करता है, जिससे कि उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल समान हो, इक्वल हो. इसलिए इसको आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं, जैसा कि पहले हम लोग डिस्कशन किए. अब ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये जो सब्स्टिट्यूट करता है, कैसे सब्स्टिट्यूट करता है, तो जैसे यहाँ देखें, गुड एक्स का 1 यूनिट अधिक जब उसे वह कंजम्पशन करता है, तो गुड वाई का 4 यूनिट उसे छोड़ देना पड़ता है, गिवअप करना पड़ता है. तो इसी तरीके से फिर वह एक और यूनिट गुड एक्स का जब बढ़ाता है, तो उसे 3 यूनिट्स गुड वाई को छोड़ देना पड़ता है. ये जो कॉम्बिनेशन जो डिफरेंट है, और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में गुड एक्स की जैसे जैसे वह यूनिट्स को बढ़ाता है, वैसे वैसे गुड वाई की मात्रा को भी उसको छोड़ना पड़ता है. और यह जो रेट है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. डेल्टा वाई में से यहाँ देखते हैं 4 यूनिट्स कितना चेंज आया, डेल्टा वाई में 4 और डेल्टा एक्स में कितना आया 1 से 1. ये 4/1 इज इक्वल टू 4, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है. फिर दूसरे से 3/1, यहाँ 8 से 5 हो जाता है, तो यहाँ 3 को छोड़ता है, यहाँ 1 फिर 1 1 बढ़ता है. तो इसी तरीके से 3/1 फिर 2 सेक्रीफाइस करता है, 5 से 3 बढ़ाता है, फिर यहाँ 1 बढ़ता है, तो 2/1 और फिर यहाँ 1 और यहाँ 1, तो 1/1. इस तरीके से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत गुड एक्स की 1 यूनिट एन को बढ़ाने से गुड वाई का जितनी मात्रा छोड़ना पड़ता है, उसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं. अब ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का आधार है, मेन एजम्पशन है कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. जैसे यूटिलिटी एनालिसिस का आधार है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वैसे ही इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का आधार है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ये क्या है, तो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट एज गुड एक्स इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर गुड वाई, इसके लिए जो इसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड एक्स फॉर गुड वाई गोज ऑन डिमिनिशिंग, ये घटते चला जाता है 4, 3, 2, 1 मार्जिनल, यही है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अब ये जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, उसको डायग्राम के आधार पर में हम दिखाते हैं. जैसे देखें आप यहाँ 12 से 8, ये 12 और फिर ये 8, ये वाई की मात्रा है, और फिर ये जो है गुड एक्स की मात्रा 1 है यहाँ, फिर 2 है. जैसे ही 2 आता है तो इसको 1 से
वहाँ पर वन से जब टू पर आता है तो उसे ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फोर बाई वन, तो यहाँ ये वन होता है, ये जब यहाँ बढ़ता है तो फिर दूसरे यूनिट पर, फिर ये जो आप देखते हैं ये और यहाँ, ये क्रमशः घटते चला जाता है, क्रमशः घटते जाता है, यही डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के रूप में, ये जितना डेल्टा वाई को इसको विभव करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है डेल्टा एक्स एक यूनिट को बढ़ाने के लिए, डेल्टा वाई को इतना मात्रा सेक्रीफाइस करना पड़ता है फिर एक यूनिट को बढ़ाने के लिए, ये जो है ये अब कम हो गया पहले से, फिर ये कम हो गया, फिर ये कम हो गया, तो ये जो कम होता है, ये जो डिमिनिश करते चला जाता है, घटते चला जाता है, उसी को कहते हैं द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो गुड एक्स की वन यूनिट या एन एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन के लिए जो गुड वाई की जितनी मात्रा को छोड़ा जाता है वह क्रमशः घटते हुए चला जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि ये क्यों होता है ऐसा, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों ऑपरेट होता है, व्हाई डज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑपरेट, ऐसा क्यों होता है। इसका कारण है कि जैसे जैसे गुड एक्स की मात्रा को वह बढ़ाते चला जाता है, वह क्रमशः क्या होता है, इसकी जैसे बढ़ाता है तो उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वह इसका डिमिनिश करते चला जाता है, वैसे जैसे जैसे इसको बढ़ाता है इसका मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करता है, इसीलिए इसकी कम मात्रा को इसे यह छोड़ता है, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम होता है, कम होते चला जाता है इसका रेट, घटते हुए 4, 3, 2, 1, जैसे जैसे इसकी बढ़ाता है वैसे वैसे ये इसकी जो उपयोगिता है वह डिमिनिश करते चला जाता है, इसीलिए गुड वाई की मात्रा को कम करना पड़ता है, तो इसलिए द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑपरेट करता है। दिस टाइम वी डिस्कस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस पर। इस क्रम में हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यह इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का आधार है, इस बात को हम समझे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द बेसिस ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। लेटर ऑन वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। थैंक यू वेरी मच।